दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बार्बरी लायन और लाइगर की कि अगर इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है तो यहाँ पर कौन विजेता होगा, क्योंकि जहाँ बार्बरी लायन सबसे बड़े शेर माने जाते हैं तो वहीं लाइगर भी इनसे पीछे नहीं है, क्योंकि लाइगर भी मौजूदा समय की सबसे बड़ी हाइब्रिड बिल्लियों में से एक है। वैसे आज की इस वीडियो में हम बार्बरी लायन और लाइगर से जुड़ी काफी सारी जानकारियां जानने वाले हैं, जिनके आधार पर हम अपना फाइनल डिसीजन रखेंगे कि लाइगर और बार्बरी लायन में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं बार्बरी लायन की। दोस्तों बार्बरी लायन यानी कि बब्बर शेर, जो कि मुख्य रूप से मिस्र से लेकर एटलस के पर्वतों तक काफी लंबे चौड़े क्षेत्र में राज किया करते थे और यहाँ पर इनकी संख्या काफी ज्यादा थी, लेकिन लगातार इनके शिकार के चलते इनकी संख्या दिन ब दिन कम होती गई और अंततः बार्बरी लायन पूरी तरह विलुप्त हो गए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बार्बरी लायन आज के शेरों के मुकाबले काफी बड़े थे और इनके शरीर के अंदर काफी ज्यादा ताकत थी, क्योंकि इनका साइज ही आज के साइबेरियन टाइगर के बराबर हुआ करता था। जहाँ पर बार्बरी लायन का वजन 300 किलोग्राम के आसपास होता था तो इनकी लंबाई 3 मीटर व ऊंचाई 1.2 मीटर होती थी। साथ इनका सिर आज के सिरों के मुकाबले काफी बड़ा था और बालों का आयाल तो इतना घना था कि वह पेट के निचले हिस्से से होते हुए पिछले पैरों तक भी जाता था, और इसी कारण बार्बरी लायन और भी रोबदार लगते थे। जब बात करें बार्बरी लायन के जबड़े की ताकत की, तो इनका जबड़ा भी काफी शक्तिशाली हुआ करता था, क्योंकि बार्बरी लायन 1000 PSI के बल से काटने में सक्षम होते थे, जो कि आज के शेरों के मुकाबले काफी ज्यादा है। और अगर बात रफ्तार की करें, तो बार्बरी लायन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसानी से दौड़ लेते थे। ताकत के मामले में बार्बरी लायन काफी ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे, क्योंकि जहां आज का अफ्रीकी शेर 800 किलो वजनी भैंसे को अकेला ही मार गिराता है, तो आप सोच ही सकते हैं कि बार्बरी लायन कितने शक्तिशाली होंगे। तो यहां पर हमने बार्बरी लायन के बारे में काफी सारी जानकारियां ली और अब हम जानेंगे लाइगर के बारे में। दोस्तों लाइगर भी एक हाइब्रिड बिल्ली है जो कि बहुत ही बड़ा व शक्तिशाली होता है, लेकिन लाइगर की तादाद बहुत ही कम है और ये अक्सर चिड़ियाघरों के अंदर ही देखने को मिलता है, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि यह एक हाइब्रिड जानवर है। दोस्तों लाइगर मेल लायन और फीमेल टाइगर की क्रॉस ब्रीडिंग से जन्म लेता है, लेकिन लाइगर शेर और टाइगर दोनों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, और साथ ही इसके अंदर शेर और टाइगर दोनों के गुण पाए जाते हैं, जिस कारण ये और भी ज्यादा शक्तिशाली व फुर्तीला होता है। अगर बात करें इनके वजन की, तो लाइगर 300 से लेकर 400 किलोग्राम तक भारी हो सकते हैं और 3.3 मीटर लंबे व 1.2 मीटर ऊंचे होते हैं। साथ ही लाइगर के जबड़े की ताकत की बात करें, तो लाइगर भी अपने जबड़े की मदद से लगभग 1000 PSI का बल आसानी से लगा सकते हैं। साथ ही दौड़ने की रफ्तार के मामले में भी लाइगर शेर के बराबरी होते हैं, क्योंकि इनकी अधिकतम रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। लेकिन जब फाइटिंग स्किल की बात आती है, तो यहाँ पर लाइगर बार्बरी लायन से काफी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि ये अक्सर जू के अंदर ही रहते हैं, जिसलिए इनको फ्री का खाना मिल जाता है। और वहीं बार्बरी लायन की बात करें, तो बार्बरी लायन खुद से शिकार कर खाते थे, जिस कारण उनको हर रोज नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता था, और इन सभी कारणों की वजह से बार्बरी लायन लाइगर के मुकाबले काफी अच्छे फाइटर हुआ करते थे। हालांकि यहाँ पर ताकत के मामले में भले ही लाइगर बार्बरी लायन से आगे हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादा फुर्ती और लड़ने की टेक्निक के अंदर बार्बरी लायन लाइगर से काफी आगे हैं, और इसलिए अगर लाइगर और बार्बरी लायन के बीच लड़ाई होती है तो यहाँ पर जीतने के चांसेज दोनों के ही बराबर होंगे, क्योंकि बार्बरी लायन के पास बेहतर हंटिंग स्किल होते हैं, तो वहीं लाइगर के पास भरपूर ताकत होती है, इसलिए ये दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर देने वाले हैं। वैसे आपका इस फाइट के बारे में क्या कहना है, आप भी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।